हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछली क्लास में स्टोरेज के बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट? हमने पढ़ा था आयरन स्टोरेज, हमने पढ़ा था कॉपर स्टोरेज, हमने पढ़ा था जिंक, और हमने मेटेलोथायोनिन्स के बारे में पढ़ लिया था कि व्हाई मेटेलोथायोनिन्स आर नीडेड फॉर आवर बॉडी, राइट? और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों कोई एलिमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है, क्यों कोई एलिमेंट हमारी बॉडी में कम है, या क्यों कोई एलिमेंट हमारी बॉडी में है ही नहीं या उसकी कंसेंट्रेशन नेग्लिजिबल है, ये सब हम पिछली 4 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, राइट? हम लोग अब आगे आगे अब आगे कंटिन्यू करते हैं लाइफ विद ऑक्सीजन से, कि मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पहला चीज़ ये। फिर ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों ज़रूरी है, दूसरा ऑक्सीजन का यूज क्या क्या है, और फिर ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है वो नॉर्मल सिस्टम में कैसी है, नॉर्मल कंडीशन में कैसी है, और हमारी बॉडी के अंदर कैसी है। क्या जैसे ऑक्सीजन बाहर सिस्टम में रिएक्ट करती है, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती है, क्या उसी तरह हमारी बॉडी में भी उसका फंक्शन है या कुछ डिफरेंट फंक्शन है, राइट? वो सब चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की जो एक्टिविटी है वो आउटर एटमॉस्फेयर में कैसे है और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कैसे है। क्योंकि देखो, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे ना, आप ये नहीं समझ पाओगे ऑक्सीजन का फंक्शन जो है वो डिफरेंट क्यों है, राइट? तो क्योंकि अभी हम देखेंगे, जैसे हम सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हमें पता है कि जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन काम करता है, ऑक्सीजन, और वो प्रोसेस बॉडी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद उसे हमें एनर्जी मिलती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। लेकिन अगर एटमॉस्फियर की बात करो, बॉडी के बाहर, मतलब नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करो, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐसा काम नहीं करता, राइट? तो पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीजन का नेचर क्या है, और ऑक्सीजन का नेचर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट क्यों है और बाहर डिफरेंट क्यों है, ठीक है? दूसरा, हमें यह भी पता चलेगा कि उसकी एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर बाहर के एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में डिफरेंट है, उसमें एंजाइम का रोल क्या है। तभी आपको यह समझ में आएगा कि किसी भी एंजाइम के एक्टिव सेंटर पे कोई मेटल अगर है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली क्यों है, उसकी स्पिन स्टेट ये वाली क्यों है, तब आपको पता चलेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा वो, ठीक है? लेकिन इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि ऑक्सीजन की एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या क्या थर्मोडायनेमिक बैरियर हैं, क्या क्या काइनेटिक बैरियर हैं जो जरूरी है। देखो ध्यान से सुनो, जो काम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कर रही है ना, अगर वही काम ऑक्सीजन बॉडी के बाहर करती तो हम लोग जिंदा नहीं होते, राइट? सिंपल सी बात है, मतलब दुनिया नहीं होती फिर, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बाहर अंदर डिफरेंट क्यों है, और बाहर ऐसा क्या है जो अंदर नहीं है, अंदर ऐसा क्या जो बाहर नहीं है, राइट? तो पहले ऑक्सीजन के बेसिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं, जिससे आपके पास एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। तो जब आप कोई भी एंजाइम पढ़ो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पढ़ो, हीमोग्लोबिन के बारे में आप पढ़ो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, या फिर आप कैटलेज के बारे में पढ़ो, या फिर आप परऑक्सीडेज के बारे में पढ़ो, तो आपको पता चले कि ये जो एंजाइम है ऑक्सीजन के साथ इस तरह क्यों ट्रीट कर रहा है, एंजाइम का बिहेवियर इसके लिए डिफरेंट क्यों है बाहर के सिस्टम से, राइट? तो आपको एंजाइम का एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि क्यों एंजाइम जरूरी है और नेचर ने ऐसा क्या एंजाइम के अंदर कर दिया है जो ऑक्सीजन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, राइट? तो हम शुरू करते हैं लाइफ विद ऑक्सीजन। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, ध्यान से समझने की कोशिश करो, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। लाइफ विद ऑक्सीजन, ठीक है? देखो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर देयर सर्वाइवल, राइट? और हमारी बॉडी में, हम लोग खुद की बात करें तो हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है? ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दो काम बेसिकली करती है। एक काम उसका क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन, रिस्पिरेशन। तो दो काम बेसिकली ऑक्सीजन का कई सारे सिस्टम को, एक होता है बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कई सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना जो बॉडी के रिक्वायरमेंट है, दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन इन रेस्पिरेशन, ठीक है, राइट? अब देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो है ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। जैसे आपको सिंपल सा कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, चलिए ठीक है, मान लो हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग जो है ऑक्सीजन चाहिए हमें क्योंकि हमें ये सब चीज़ें चाहिए। मान लो ऐसा कोई सिस्टम है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो ऑक्सीजन का अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जब रिस्पिरेशन करता है तो CO2 और वाटर जनरेट करता है, तो कुछ लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट है, कुछ लोगों को क्या है, CO2 की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन को तो नहीं यूज़ करता ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करा के। इसका मतलब ऑक्सीजन की वजह से जो बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, रिस्पिरेशन की वजह से जो बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, उसका तो कहीं ना कहीं यूज है। अगर मान लो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो एक हिसाब से ये भी बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाए। इसका सिंपल से मतलब है कि नेचर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम नॉर्मली एरोबिक सिस्टम की बात करें, एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें या हम लोग की बात करें, तो बेसिकली आयरन के दो फंक्शन है, एक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन ए रेस्पिरेशन। इसमें देखो होता क्या है, इसमें एक मैं स्टेप लिख रहा हूँ, O2 प्लस 4H प्लस कन्वर्ट होता है 2H2O में, राइट। और इस प्रोसेस के लिए जो ई नॉट है, ई रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से समझने की कोशिश करो, यह 0.815, ठीक है, वोल्ट, इतना रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे क्या है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब जो फूड प्रोडक्शन है रिस्पिरेशन के थ्रू, जो फूड प्रोडक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन क्या शो करता है, अपनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। और देखो जो यहाँ से यहाँ क्यों फेवरेबल है, बिकॉज ई क्या है, ई नॉट पॉजिटिव और हाई वैल्यू, नियर अबाउट 1 वोल्ट है ये, राइट। इसका मतलब डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, थर्मोडाइनेमिकली फिजिबल। इसका मतलब बॉडी में जो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज थर्मोडाइनेमिकली फिजिबल, राइट। और दूसरा एक चीज ये पता है, ये स्टेप जो मैंने लिखी है ये क्या है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें पता है कि CO2 बनता है, जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो उसको बोलते हैं, और एनर्जी जो रिलीज होती है किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP होता क्या है उसमें, ADP ATP में कन्वर्ट होता है। तो ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, इसलिए क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट, फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सिस्टम जो ये रिएक्शन हो रही है कहाँ हो रही है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर। पहली चीज़ ये थर्मोडाइनमिकली क्या है, फीजिबल। दूसरा क्या है, वेरी फास्ट है, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में O2 की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हमें लग रहा है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। और जो प्रोसेस है, क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में बोल रहा हूँ, बिकॉज द प्रोसेस इज हाईली फिजिबल, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, ये जो रिएक्शन होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत फास्ट होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी से O2 क्या करता है, एनर्जी को जल्दी से O2 क्या करता है, फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट होती है, जिससे हमें एनर्जी जल्दी जल्दी मिलती रहती है, हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो कि अगर जो एक्टिविटी ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है, यही एक्टिविटी अगर ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर होती जैसे नेचर में, तो आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर किसी की होगी, तो जिससे मिलेगा उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। O2 जहाँ भी टकराया, किसी से भी टकराया, इसका मतलब उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। ऐसा होता है क्या, अगर ऐसा होता तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें कुछ बचती उसमें से, नहीं बचती। क्यों नहीं बचती, क्योंकि अगर प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली फिजिबल है तो कोई भी सिस्टम अगर होगा तो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, हर चीज़ को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जो नेचर में रिएक्शन होती है क्या होती है, फास्ट। और अगर सोचो आप कि रिएक्शन का रेट, जो रेट नेचर के अंदर है, जो रेट बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है, अगर वही रेट बाहर भी हो ऑक्सीजन का, वही रेट ऑफ रिएक्शन, उसी रेट से ऑक्सीजन किसी भी सिस्टम को ऑक्सीडाइज करे, जिस रेट से फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज करती है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो आपको लगता है दुनिया में कुछ बचता नहीं, सब खत्म हो गया होता, अभी तक कुछ नहीं होता, जो हम जी रहे हैं यहाँ सबको ऑक्सीडाइज करके सबको क्या कर देता हो, कन्वर्ट कर देता, सबको रिड्यूस कर दिया होता। इसका मतलब इन्वायरमेंट जो हमारा होता, जो चीज़ें हमारे पास हैं, कुछ बचते, क्योंकि आपको पता है
ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीजन को बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन कहीं पर अगर होती है तो बर्न कर देती है, जला देती है, क्योंकि सिंपल सी बात है। आपको लगता है अगर इतनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतनी फिजिबल है, कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी? और सोचो अगर वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती तो आसपास जितनी चीज़ सब जल गई होती अभी तक, कुछ बचता नहीं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम उसको मैनेज कर लेता है, इसलिए वहाँ पर भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में ऐसी रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है, वो बाहर ऐसा नहीं है जैसा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में है। उसके लिए पहले मैं ये समझना होगा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि ऑक्सीजन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में करता है, बाहर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाहर अगर करता तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो बाहर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते अगर ऐसा कुछ होता तो। ठीक है, सब कुछ होता तो जल गया होता अभी तक, राइट? तो उसके लिए पहले हम यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मैं आपको सिर्फ होमो की बात करूँगा यहाँ पर, डायग्राम और फोटो, क्योंकि देखो जब तक आप इसके बारे में पता नहीं चलेगा ना, आपको रिएक्टिविटी का, थर्मोडायनेमिक्स का पता का नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, तो देखो अगर O2 में हम होमो लिखें तो सिंपल क्या आता है यहाँ पर, मैं सिर्फ होमो लिख रहा हूँ, यहाँ होता है हमारे पास सिग्मा जी, या ऐसे लिख सकते हैं हम सिग्मा 2PZ, राइट, या इसको सिग्मा जी बोलते हो आप। फिर यहाँ पे क्या होता है, पाई 2PX, पाई 2PY, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, राइट, इसको क्या बोलते हैं, पाई यू, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है पाई स्टार में, राइट, पाई स्टार 2PY, पाई स्टार 2PX, और इसको बोलते हैं हम लोग पाई जी। तो देखो यहाँ से ध्यान से कि जो ऑक्सीजन है इसका नेटिव स्टेट क्या है, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कैसी स्टेट है इसकी, ट्रिपलेट। कैसे पता, इसको अगर आप जोड़ोगे तो 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से कितना हो गया, 1/2 + 1/2 दैट इज 1, तो 2s + 1 कितना हो गया, 3, ट्रिपलेट स्टेट में है। और कैसा नेचर इसका, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, ये है ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में, ठीक। और एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर आप O2 का बाउंड ऑर्डर यहाँ से लिखना चाहो, O2 का बाउंड ऑर्डर ठीक कितना है, 2 है, ये में ध्यान रखना, ठीक है, राइट, सिंपल देख लो, बाकी इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, 2, 4, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4, 4 का मतलब कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लो, अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब O2 को अगर कन्वर्ट करोगे O2 प्लस में, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। O2 को अगर कन्वर्ट करोगे O2 माइनस में, राइट, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर रहे हैं। ये सब आप जानते हो, बेसिक सी केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर O2 से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से देख सकते हो आप, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर मैक्सिमम होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखते हो तो ऐसे ऑर्डर होगा इसका, O2 प्लस, जितना बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे यहाँ से तो इसका मतलब सिंपल रिवर्स हो जाएगा इसका, O2 2 माइनस O2 माइनस O2 O2 2 प्लस। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि जब अभी आप देखोगे ना तो हीमोग्लोबिन में O2 O2 माइनस में कन्वर्ट होता है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे बदला, राइट। अगर आप देखोगे हीमोसाइनिन में तो उसमें O2 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी वहाँ और कम हो जाती है, राइट। अगर आप देखोगे हीमेरिथ्रिन में देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, HO2- के फॉर्म में होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा। अगर आप देखोगे साइटोक्रोम P450 या सॉरी साइटोक्रोम पी क्या नाम है, अब अगर आप देखोगे कैटलेज के बारे में, अगर आप देखोगे परोक्सीडेज के बारे में, इवन मैं आपको साइटोक्रोम P450 में, वहाँ पर हाइड्रोपरोक्साइड बनता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो जब तक आपको बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया नहीं होगा तब तक आप ये थोड़ी बता सकते हो कौन सी स्पीसीज बनी है,
क्योंकि हाइड्रो परऑक्साइड बना, सुपर ऑक्साइड बना, परऑक्साइड बना, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? स्पेक्ट्रल डेटा से ना, तो वो यहाँ से फाइंड आउट करोगे ना आप कि अगर ये ऐसा कुछ होगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा या बढ़ेगा, बस ये बताने का रीजन है। बाकी मुझे पता है आप जानते हो चीज़ें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब ध्यान से एक चीज़ सुनो, देखो रिडॉक्स केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन समझते हैं पहले। अब ध्यान से एक चीज़ पहले मैं आपको और बता, देखो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल यह है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है वाटर में और वो रिएक्शन के लिए डेल्टा ई, जो डेल्टा जी नॉट है, क्या है, नेगेटिव, मतलब रिएक्शन हाईली फिजिबल है। तो नेचर में ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर जितना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर बायोलॉजिकल सिस्टम में है, उतना नेचर में हमें नॉर्मली क्यों नहीं दिखता? जैसे कि O2 का वाटर में कन्वर्जन हाईली फिजिबल है क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ई नॉट क्या था, +0.815 वोल्ट। लेकिन क्या बायोलॉजिकल सिस्टम के अलावा बात करें, जहाँ पर हम लोग हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात करें, क्या वहाँ भी O2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा है? राइट, तो उसके लिए पहले इसकी रिडॉक्स केमिस्ट्री में जाननी होगी। O2 कन्वर्ट होता है O2 माइनस, मगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, O2 कन्वर्ट होता है H2O2 में, अगर यहाँ पर 2H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, O2 कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होता है वाटर में और OH रेडिकल में, अगर यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, H प्लस मिल जाए और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हमें H प्लस मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ये रिडॉक्स केमिस्ट्री है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी है कि जब ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होता है तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.33 वोल्ट, इसके लिए कितनी है +0.89 वोल्ट, इसके लिए कितनी है +0.38 वोल्ट, इसके लिए कितनी है +2.31 वोल्ट, और अगर फाइनली O2 से आप वाटर में कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, जो हमने अभी देखा था, +0.815 वोल्ट। ठीक, अब ध्यान से सुनो, हमने भी लिखा था कि जब O2 कन्वर्ट होता है वाटर में तो उसे 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब उसके लिए वैल्यू आती है ई नॉट कितनी, 0.815। आपको पता, इतना इलेक्ट्रॉन एक साथ चाहिए तब ऐसा होगा, मतलब O2 अपनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर कब शो करता है, वो तब शो करता है जब उसको साइमल्टेनियसली 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन मिले। अब आपको पता 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कौन ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा? एक इलेक्ट्रॉन तो देना ठीक है, चलो वो भी एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, जैसे एल्कली मेटल्स की बात अगर कर लो, राइट, एल्कली मेटल्स ही ये काम कर सकते हैं, बाकी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देने की पावर कहाँ होती है उनकी, तो इसका मतलब ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, राइट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान सुनो, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को एक साथ तो नहीं मिल सकता, मतलब ये इतना अनकॉमन टाइप का है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैकेनिज्म, स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिस्टम जनरेट करना होगा जो कि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे। तो इसका मतलब नॉर्मली अच्छा कितना मिल सकता है, ये तो एक साथ नहीं मिल सकता, नॉर्मली कितना मिल सकता है, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब O2 को एक इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत सारे लोग हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको O2 माइनस में कन्वर्ट कर दो। लेकिन यहाँ जरा देखो ध्यान से, O2 जब O2 माइनस में कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, जो कि सबसे कॉमन प्रोसेस है, O2 को सिंगल इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो दे सकते हैं, तो मतलब O2 को O2 में कन्वर्ट किया जा सकता है O2 माइनस में, लेकिन जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे तो इस प्रोसेस के लिए नॉट कितनी है, -0.33 वोल्ट, राइट। इसका मतलब O2 का O2 माइनस में कन्वर्जन क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, अनफेवरेबल है, मतलब नेचर के बाहर, ये मतलब एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग्स में जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि जो प्रोसेस है वो क्या है, हाईली अनफेवरेबल। क्यों अनफेवरेबल है, बिकॉज डेल्टा जी क्या है इसके लिए, पॉजिटिव। O2 इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो रिएक्शंस है ये बहुत सारे सिस्टम को बचाती है O2 की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर से। कैसे पता हमें, अब खुद सोचो आप, O2 पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा, O2 माइनस में कन्वर्ट होना चाहिए, जो कि नॉर्मली लोग ये काम करा सकते हैं, तो O2 माइनस में कन्वर्ट ही नहीं होता है। इसका मतलब जो सराउंडिंग में रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो डाई ऑक्सीजन को O2 माइनस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज O2 का O2 माइनस में कन्वर्जन थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल है, इसीलिए O2 बची हुई है बाहर, इसीलिए O2 है, नहीं तो जितने भी ऐसे कर इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सब क्या करते, O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, और O2 माइनस जैसे बनता रेडिकल बन जाता, रेडिकल बनता वो क्या करता, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन शुरू कर देता, राइट। तो ध्यान से सुनो,
बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ये हाई वैल्यू आती है रिडक्शन पोटेंशियल की, उसके पीछे का रीजन ये कि चार इलेक्ट्रॉन और चार प्रोटॉन एक साथ सप्लाई होता है। और आपको पता है ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट बाहर नहीं है जो चार इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा। आपको क्या लगता है सोडियम चार इलेक्ट्रॉन दे देगा, पोटेशियम पांच इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं, राइट। इसका मतलब हमें इसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप की है बॉडी के अंदर, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जनरली जो स्पीसीज है कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है? एक। ओ टू को किसमें कन्वर्ट कर सकती है? ओ टू माइनस में। लेकिन ओ टू का ओ टू माइनस में कन्वर्जन क्या है? अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब ओ टू का ओ टू माइनस में कन्वर्जन एक तरह से क्या है? थर्मोडाइनमिक बैरियर है, थर्मोडाइनमिक बैरियर है, राइट, जो हमें बचाता है ओ टू की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर से। अगर ये रिएक्शन भी फिजिबल होती ना, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिनको जिनको रिडक्शन क्या कर देता? ऑक्सीडाइज कर देता। क्यों कर देता? क्योंकि अगर हर केस में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना फेवरेबल, 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 लेकिन पहली स्टेप क्या है? अनफेवरेबल। और ज़्यादातर लोग पहली स्टेप को ही कर पाते हैं, वो ऐसा नहीं कि चार इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तीन इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पाँच इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इसका मतलब पहली स्टेप, मतलब ज़्यादातर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ओ टू को ओ टू माइनस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओ टू को ओ टू माइनस में कन्वर्ट होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? लोग चाहें भले कन्वर्ट करना, ओ टू माइनस में जाएगा ही नहीं, इसलिए वो अपनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं शो करेगा। और यही वजह है कि हम लोग ओ टू की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर से बचे हुए हैं। वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भले इतना खतरनाक काम करता हो कि इतना इतनी हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जनरेट करता हो, लेकिन बाहर इतना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जन क्या है? अनफेवरेबल। अब आप सोचोगे ये क्यों नहीं बन रहा है? अरे ये तो तब बनेगा ना जब ये बनेगा, राइट, या फिर यहाँ से आप दो इलेक्ट्रॉन और दो दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करो और 2s प्लस दो, वो भी अनफेवरेबल है। अरे दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपके पास कोई सिस्टम तो होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो आप? नॉर्मली सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकालता है कोई सिस्टम। इसका मतलब है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऐसे नहीं घूम रहा है कि आके तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पाँच इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। तो ये जो पहली स्टेप है O2 की O2 माइनस में कन्वर्जन की, यही स्टेप है जो हम लोगों को डाई ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर से बचाती है। नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे हो रहा था वो इस तरह क्या होता? बाहर भी होता। बाहर भी अगर वैसे होता तो कुछ बचता नहीं, ठीक है। इसका मतलब सब जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आसपास, सबको O2 क्या कर देता? ऑक्सीडाइज कर देता, राइट, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है जो बहुत सारी स्पीसीज है उनको बचाता है O2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर से। तो ध्यान से समझो, कंक्लूजन इसका क्या है कि O2 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बॉडी के अंदर शो करता है, रिस्पिरेशन में शो करता है, फूड की ऑक्सीडेशन के टाइम पे शो करता है, उसमें उसे चार प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ऐसा करता है वो। नॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर आप देखो तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में इतना कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो चार चार इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा। ज़्यादातर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे? वन। तो O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो लोग, लेकिन O2 का O2 माइनस में कन्वर्जन फिजिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि E नॉट की वैल्यू क्या है इसके लिए? नेगेटिव। इसका मतलब जो रिएजेंट हमारे पास हैं, जो हमारे पास सिस्टम है जो O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, O2 ऐसा काम खुद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि O2 से O2 माइनस में जाना क्या है? अनफेवरेबल। इसका मतलब O2 अपनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे सिस्टम के साथ नहीं शो करता। अगर ऐसा करता तो जितने भी आसपास लोग हैं सबको क्या कर देता? वो ऑक्सीडाइज कर देता, राइट। तो ये जो पहला स्टेप है इसका, ये हमें O2 की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर से बचाता है। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो कुछ बचता नहीं, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सब क्या हो जाती? ऑक्सीडाइज हो जाती। क्लियर इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक तरह से क्या है ये? थर्मोडाइनमिक बैरियर है। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। देखो, अच्छा एक चीज और समझते हैं। जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। थर्मोडाइनमिक का मतलब समझ में आया? वहां पे थर्मोडाइनमिक बैरियर क्यों नहीं है? बिकॉज उसको रिक्वायर होता है चार इलेक्ट्रॉन चार प्रोटॉन। बाहर ऐसा क्यों नहीं? बाहर क्यों बैरियर हो गया? क्योंकि बाहर एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लोग, इतने इतनी ज़्यादा कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं डेवलप है तो चार इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इसलिए इसका मतलब बाहर के लोग, जैसे मान लो ये है, ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका मतलब इसको क्या कर देगा? वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है लेकिन ऑक्सीजन लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? इसलिए नहीं लेगा क्योंकि जब O2 माइनस में कन्वर्ट होना क्या है? अनफेवरेबल है। अगर ये O2 माइनस में भी फेवरेबल हो जाता ना तो इसका मतलब इसको क्या कर देता? ऑक्सीडाइज। तो जितना भी आसपास आप देख रहे हो ना, सब कुछ ऑक्सीडाइज हो गया होता, सब कुछ, कुछ बचता नहीं। समझ रहे हो? इसका मतलब सब खत्म हो गया होता, राइट। दूसरी चीज ध्यान से सुनो,
जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, बहुत फास्ट, क्योंकि फास्ट अगर नहीं होती तो खाना हम खाते और 2 साल बाद हमें एनर्जी मिलती, सिंपल सी बात है। इसका मतलब रेट क्या होती होगी, बहुत फास्ट, राइट। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाहर के सिस्टम में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ऐसा बाहर। क्यों नहीं होता, उसको समझते हैं। देखो एक चीज, एक दो रिएक्शन पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर, H2+O2 का कॉम्बिनेशन, वो तो मान लो नॉर्मल में बात करा था कि डाई ऑक्सीजन की बात अगर हम करते, अगर ये H2O बनता है, ठीक है, 2H2 कर देते हैं यहाँ पे, राइट। CH4 की रिएक्शन अगर हम H2O से कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH3OH। डेल्टा एच जो होता है ना, इसके लिए भी नेगेटिव, इसके लिए भी नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ये हाईली नेगेटिव है, राइट, हाई वैल्यू है ये। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि H2 की अगर आप O2 से रिएक्शन कराओ, इंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है। CH4 की O2 से रिएक्शन कराओ, इंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये प्रोसेस ओवरऑल क्या है, थर्मोडाइनेमिकली फिजिबल, थर्मोडाइनेमिकली फिजिबल। और ध्यान से सुनो, यहाँ पे इधर देखो, O2 कन्वर्ट हुआ है O2- में, 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, ठीक है। O2 यहाँ O2- में नहीं गया है, राइट, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं लिया इसने। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिए, देखिए सिंपल ही बात, देखो जीरो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितनी है, -2, कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना। यहाँ पीछे देखो, एक इलेक्ट्रॉन फिजिबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, 2 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है ये, राइट। अब देखो यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि अगर ये रिएक्शन इतनी थर्मोडाइनमिकली फिजिबल, इसका मतलब क्या है, ऑल दीज रिएक्शन आर थर्मोडाइनमिकली फिजिबल, थर्मोडाइनमिकली फिजिबल। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर ऐसा होता तो H2 आपको दिखता कहीं पे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन गैस मिलती कभी नहीं मिलती, क्यों? अरे क्योंकि ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है, जितनी हाइड्रोजन होती है सबसे रिएक्शन करके क्या कर देता, वाटर में कन्वर्ट कर देता, राइट। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो वाटर की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती, हम क्या करते हैं, H2 ले आओ, O2 ले आओ, मिला दो दोनों को, उसके बाद बन गया, क्योंकि थर्मोडाइनमिकली फिजिबल है ही है। नहीं, ये रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली फिजिबल तो है, लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, बहुत स्लो रिएक्शन। इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ काइनेटिक बैरियर टू, मतलब बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन रिएक्शन करता है वो इतना फास्ट होता है, बाहर ऑक्सीजन वही रिएक्शन कर रहा है इतना फास्ट नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक बैरियर भी है, थर्मोडाइनमिक तो मैंने को समझाया, इसका मतलब काइनेटिक बैरियर भी है कि O2 जो है नॉर्मली लोगों से उतनी तेज रिएक्शन क्यों नहीं करता जितना बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। इसका मतलब O2 के पास कुछ ऐसी चीज है जो उसको बाकी लोगों से रिएक्शन करने से रोकती है, या बाकी लोगों से फास्ट रिएक्शन करने से रोकती है, राइट, उसको समझता है, काइनेटिक बैरियर, राइट। देखो आपको इससे ये पता चलेगा कि O2 क्यों बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अगर बाहर एटमोसफियर में O2 बहुत तेजी से रिएक्शन करता तो मान लो बेंजीन है, CH4 है, एथेनॉल है, एथिलीन है, ये सब कुछ होता ही नहीं, बचता ही नहीं है। जो आपको कहीं कहीं पता चलता है ना कि CH4 गैस मिल रही है, राइट, मार्स गैस कहीं हमें पता चलता है ना CH4 है, राइट, CH4 हमें कहीं मिलता है, हमें मिलता है H2 का भी एटमोसफियर है, तो ये सब गैसें नेचर में होती नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर ये रिएक्शन ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है वो क्या है, थर्मोडाइनमिकली फिजिबल तो वही है, क्योंकि डेल्टा जितना नेगेटिव आ रहा है, राइट, और रिएक्शन भी तेज होती जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में है, तो कुछ बचता नहीं बचता। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि H2 और O2 की रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली फिजिबल तो है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या है, बहुत स्लो। तो हमें ये समझना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डाई ऑक्सीजन को स्लो रिएक्शन करने दे रही है, जो फास्ट रिएक्शन नहीं करने दे रही है, लेकिन वही ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर जाती है तो फिर स्लो रिएक्शन नहीं करती, वो वही क्या करती है, फास्ट रिएक्शन करती है। तो हमें देखना है कि ऑक्सीजन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो उसको फास्ट रिएक्शन करने से रोकती है, क्योंकि अगर फास्ट रिएक्शन करता तो सब कुछ कन्वर्ट हो गया था, कुछ मिलता नहीं हमें, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, देखो नॉर्मली जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जैसे मान लेते हैं CH3H, ये इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे हैं, तो S क्या है इसके लिए, 0, ये क्या है, सिंगलेट, सिंगलेट स्टेट। और O2 के केस में हमने देखा था कि डाई ऑक्सीजन में क्या था, ये ट्रिपलेट स्टेट, ये क्या था, ट्रिपलेट स्टेट। आप खुद सोचो, आपकी जो हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या हमारे पास जो नॉर्मल सब्सट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक, बिकॉज बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा,
तो ये इसका मतलब सिंगलेट स्टेट में है, लेकिन डायऑक्सीजन हमारी किस में है? ट्रिपलेट स्टेट में। अब आप सोचो कि ट्रिपलेट और सिंगलेट रिएक्शन करेंगे क्या? नहीं। क्या होगा रिएक्शन? ये स्पिन फॉरबिडन है। स्पिन फॉरबिडन क्या होता है? वेरी वेरी स्लो, समझ रहे हो? इसीलिए ऑक्सीजन जो है उसे लगता जरूर हमें कि थर्मोडायनेमिकल फ्यूज, लेकिन रिएक्शन की रेट बहुत स्लो होती है, इतनी स्लो होती कुछ पता होता नहीं चलता। अगर यही ऑक्सीजन को मैं, यही ऑक्सीजन अगर सिंगलेट स्टेट में होती तो कुछ होता नहीं नेचर में। मतलब जो ट्रिपलेट स्टेट है ये क्या है, एक तरह से दिस इज द काइनेटिक बैरियर, काइनेटिक बैरियर। इसी की वजह से ऑक्सीजन स्लो रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट स्लोली, रिएक्ट्स वेरी स्लोली, राइट? इतना स्लोली कि कोई मतलब नहीं है उस रिएक्शन का, ठीक है? ध्यान रखो, जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो क्या है, सिंगलेट स्टेट में। जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी क्या है, ट्रिपलेट। सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन। तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लो। जैसे आप फॉस्फोरेशन पढ़ते हो ना, स्पिन फॉरबिडन होता है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट में आना, तो स्पिन फॉरबिडन होता है। स्पिन फॉरबिडन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है? अगर आपको इसको रिएक्शन करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। O2 हमारी है ट्रिपलेट स्टेट में, ऐसे हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? फिर इस किस में कन्वर्ट होगा, ये सिंगलेट स्टेट में। ऐसे कितनी एनर्जी हमें लगती है यहाँ पर, नियर अबाउट 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, राइट? इतनी ज़्यादा एनर्जी। अब देखो, इतनी एनर्जी तो आप नॉर्मल सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हो, बाहर एटमॉस्फेयर के प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप जानो कि H2O2 से जब रिएक्शन करेगा ना, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब रिएक्शन करेगा। अब नॉर्मल O2 कह दो, जिसको जिसको एनर्जी हमने नहीं दी है, जिसके पास एनर्जी नहीं है, वो क्या नॉर्मल सिस्टम से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनो, O2 जो है वो बाहरी चीज़ों से रिएक्शन क्यों नहीं करता इतना फास्ट? क्योंकि बाहरी में, बाहर सिस्टम में जो लोग हैं, जो सबस्ट्रेट हमारे पास हैं, वो क्या है, सिंगलेट में। O2 क्या है, ट्रिपलेट में। O2 इसके साथ रिएक्शन तभी करेगा जब O2 भी किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगलेट में, या फिर सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए, ट्रिपलेट में। तो दो काम किया जा सकता है, या तो O2 को सिंगलेट में कन्वर्ट कर दो, या तो सबस्ट्रेट को ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर दो। दोनों केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और उतनी एनर्जी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं अवेलेबल होती है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे O2 स्ट्रांगली रिएक्शन नहीं करता किसी चीज़ से, फास्ट रिएक्शन नहीं करता किसी चीज़ से। अगर ऐसा O2 करता होता तो इसका मतलब कुछ बचता नहीं। तो इसका मतलब ये जो हाई वैल्यू है ना, दिस वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट, ये हमें O2 की हाई रिएक्टिविटी से बचाती है, राइट? ये जो एनर्जी है क्या बचाती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें इससे बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका सिंपल सा मतलब है, O2 सबसे रिएक्शन बहुत तेजी से करता है। इसीलिए O2 की रिएक्शन जो बाहर के एटमॉस्फेरिक सब उनसे बहुत स्लो, इतनी स्लो है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां लिख सकता हूं मैं, ड्यू टू दिस हाई एनर्जी बैरियर, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन इज वेरी 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 स्लो एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती है। अगर इतना होता ना, तो जिस टेम्परेचर हम लोग जी रहे हैं कुछ बचता नहीं, फिर हर जगह O2 सबसे रिएक्शन कर लिया होता, सबको ऑक्सीडाइज करके खत्म कर दिया होता, ठीक है? इसका मतलब कोई भी रिड्यूसिंग, कोई भी ऐसा सिस्टम बचता ही नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बचता जिसके पास ऑक्सीजन ना होती। मतलब CH4 आपको कहीं नहीं दिखता, H2 आपको कहीं नहीं दिखता, बेंजीन आपको कहीं नहीं मिलती, एथिलीन आपको कुछ नहीं मिलता, ये सब चीज़ें सब क्या होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये होता है ट्रिपलेट में, बाकी सबस्ट्रेट क्या होता है, सिंगलेट में। तो सिंगलेट से ट्रिपलेट रिएक्शन क्या है, स्पिन फॉरवर्ड रिएक्शन होती नहीं है। रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, अगर आप नॉर्मल डाइऑक्सीजन को कन्वर्ट करोगे तो आपको 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है। इसलिए ऑक्सीजन की रेट ऑफ रिएक्शन या ऑक्सीजन की जो रिएक्शंस होती है सब क्या होती है, बहुत स्लो, इतनी स्लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो समझ गए, दो चीज़ें हैं जो हमें ऑक्सीजन से बचाती हैं। देखो, हमें ऑक्सीजन से दो चीज़ें चाहिए बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, सेकंड थिंग हमें चाहिए हाई रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यही चीज़ हमें बाहर नहीं चाहिए, तो बाहर हमें क्या चीज़ ऐसी बचाती है, क्योंकि O2 का O2- में कन्वर्जन तो बाहर वाली कंडीशन में फेवरेबल है। मतलब क्यों फेवरेबल, मतलब
ऐसे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन O2 O2 माइनस में जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पहला कन्वर्जन क्या है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। इसका मतलब उस पहली स्टेप की वजह से नेचर में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। नहीं तो O2 वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ भी दिखाता बाहर की इन्वायरमेंट में, जो उस समय दिखाता है जब रेस्पिरेशन होता है, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाता। बाहर क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि पहली स्टेप ही क्या है उसकी, हाईली हाईली अनफेवरेबल। इसका मतलब वो स्टेप जो है हमें बचाती है O2 की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर से, और हमें उसकी ज़रूरत भी है। अगर वो नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते, या हमारे बाहर की चीज़ें होती नहीं। सेकेंड थिंग, O2 की जो रिएक्शन होती है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जो O2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि हमें ज़रूरत है। अगर फास्ट नहीं होगी तो फूड स्टेप का ऑक्सीडेशन स्लो होगा, तो हमें एनर्जी क्या है? पता लगा हम आज खाना खाए हैं, 2 महीने बाद हमें एनर्जी मिल रही है, या 4 साल बाद हमें एनर्जी मिल रही है, तो हम जिंदा ही नहीं रहते, राइट? लेकिन यही चीज़ हमें बाहर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यही काम ऑक्सीजन बाहर भी करेगी, मतलब जो मिल जाए उसको ऑक्सीडाइज, तो आपको क्या लगता है कुछ बचता? जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं दुनिया में, सब में ऑक्सीजन घुस जाता, सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता, वो हमें बाहर नहीं चाहिए। और बाहर हमें कैसे प्रोडक्ट होता है हम उससे, क्योंकि O2 हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट में, बाकी सबस्ट्रेट हमारे क्या होते हैं, सिंगलेट स्टेट में। सिंगलेट ट्रिपलेट का रिएक्शन अलाउड नहीं होता, इसका क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन। अगर रिएक्शन करवानी भी आपको है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं है, इतनी एनर्जी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं है। इसलिए O2 हम लोग O2 में जी रहे हैं। देखो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास है, हम अच्छा आसपास हमारी ऑक्सीजन है। अगर यही दो बैरियर नहीं होता ना, एक तो O2 का O2 माइनस में कन्वर्जन फेवरेबल होता, दूसरा ये जो O2 की रिएक्टिविटी है, ये बैरियर इतना हाई बैरियर नहीं होता, तो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है सब कुछ ऑक्सीडाइज हो गई होती, इवन हम लोग भी खत्म हो गए होते, राइट? अब देखो सवाल यहाँ पे क्या है कि O2 में इतनी एनर्जी लगती है, अगर O2 को आपको सिंगलेट में कन्वर्ट कराओगे उसके बाद रिएक्शन कराओगे, ठीक है। लेबोरेटरी में हमें O2 से किसी की रिएक्शन करवानी है, मतलब CH4 को मान लो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, तो लेबोरेटरी में तो हम इतनी एनर्जी दे सकते हैं क्योंकि हम गर्म कर देंगे, बाकी चीज़ दे सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भले नहीं लेकिन बाद में तो दे ही सकते हैं ना उसको, तो हम O2 की रिएक्शन करवा सकते हैं, राइट? जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, इतनी एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक बैरियर को क्रॉस कर लिया, रिएक्शन कर लिया। हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी? बायोलॉजिकल सिस्टम में ये एनर्जी, इतनी एनर्जी थोड़ी मिल पाएगी, बायोलॉजी के पास इतनी एनर्जी कहाँ होती है, इतनी एनर्जी O2 को थोड़ी दे देगा कि, और हर O2 मॉलिक्यूल के लगेगा तो इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि इतनी एनर्जी हम O2 को दे दें। इसका मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम ने कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाला होगा कि वो किसी न किसी तरह से इस बैरियर को ओवरकम कर पाए। देखो O2 रिएक्शन करेगा तो इतनी एनर्जी लेगा, इतनी एनर्जी बाहर के एनवायरनमेंट में देना तो ठीक है, या हम दे सकते हैं, हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है। लेकिन अब आप खुद कह दो कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हर ऑक्सीजन, इतनी एनर्जी का मतलब हर ऑक्सीजन के लिए हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएं, बायोलॉजिकल सिस्टम इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगी, बहुत हाई वैल्यू है। इसका मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम अगर इतनी एनर्जी नहीं दे सकता तो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाया होगा जिसकी वजह से जो यहाँ का काइनेटिक बैरियर है इसको क्या कर दे, वो कम कर दे। और इसी काइनेटिक बैरियर को कम करने का काम कौन करता है? एंजाइम। इसीलिए O2 की रिएक्शन बॉडी के अंदर फास्ट होती है, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता होगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता होगा कि ये जो काइनेटिक बैरियर है क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट? तो हम समझते हैं कि काइनेटिक बैरियर कम कैसे होती है। ध्यान से देखो इधर, और एक चीज़ मैंने आपको और बता दी, एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, फिर हम चलते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम ने खुद के अंदर ऐसा क्या डेवलप किया है जिसकी वजह से वो इस काइनेटिक बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है, ठीक है? देखो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, डिजाइन ऐसे लिखते हैं, हाउ बायोलॉजिकल सिस्टम ओवरकम दिस काइनेटिक बैरियर। ध्यान से सुनो, देखो इधर एक सिस्टम है सिंगलेट, राइट? मान लो यहाँ पर हमारे पास सिंगलेट है सबस्ट्रेट, सिंगलेट एस इक्वल टू 0, और हमारे पास डाई ऑक्सीजन क्या है, ट्रिपलेट। मतलब ये क्या है हमारा, डायामैग्नेटिक। ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी क्योंकि ये स्पिन फॉरबिडन है,
स्पिन फॉरबिडन है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन की हाई रेट ऑफ रिएक्शन से बचे हुए हैं। लेकिन मान लो हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट हो, मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा सबस्ट्रेट हो जो कि क्या हो, जो कि क्या हो, पैरामैग्नेटिक, और ऑक्सीजन भी हमारी क्या है, O2, ये भी हमारी क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक था इसलिए स्पिन फॉरबिडन। लेकिन अगर दोनों पैरा पैरा हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्पिन अलाउड हो जाएगा ना। इसका मतलब है क्या इसके लिए आपको 22.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? नहीं, नेचर इसी पाथवे को फॉलो करता है। ध्यान से सुनो, डाया पैरा है, एक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब अनफेवरेबल। लेकिन दोनों के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। भाई रेडिकल रेडिकल से रिएक्शन कर लेता है ना, राइट, वो फेवरेबल हो जाती है ना, तो यहाँ भी वही है। तो सिस्टम, तो नेचर ने क्या किया है, इस पाथवे को नहीं फॉलो किया, क्योंकि इस पाथवे में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसको किसमें ग्राउंड करना पड़ेगा, उसको सिंगलेट में ले जाना पड़ेगा इसमें, तो इतनी एनर्जी कितनी चाहिए, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी तो मिलेगी नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं बायोलॉजिकल सिस्टम में, या ऐसे बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल सिस्टम इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता। तो नेचर ने क्या किया, अगर ऑक्सीजन को कैप्चर करना है तो उसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है ना, तो उसने पैरामैग्नेटिक सेंटर जब डेवलप कर दिया कि ये भी पैरा रहेगा, ये भी पैरा रहेगा, तो फिर स्पिन क्या हो जाएगा, अलाउड, राइट। इसीलिए देखो आप, जो एंजाइम ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं ना, वो पैरामैग्नेटिक होता है, वहाँ पे जो सेंटर होता है ना, मेटल सेंटर, वो डायमेटिक नहीं होता। इसलिए देखो हीमोग्लोबिन का एग्जांपल देखो आप, हीमोग्लोबिन में आयरन प्लस टू होता है, कैसा होता है, वो पैरामैग्नेटिक, राइट। इसका मतलब उनके पास कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है। या फिर एंजाइम की बात अगर हम करते हैं, एंजाइम में देखो कैटलेज जब बाइंड करता है तो वो किस में होता है, प्लस टू स्टेट में, मतलब वो पैरामैग्नेटिक होता है, या फिर प्लस टू स्टेट या प्लस थ्री किसी स्टेट में अगर बाइंड करेगा तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी अगर पैरामैग्नेटिक है तो जो दोनों की बाइंडिंग होगी क्या होगी, स्पिन अलाउड। तो वो क्या कर रहा है, जो 22.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी बैरियर को क्या कर दे रहा है, वो कम कर दे रहा है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं नेचर में डेवलप किया होता तो इसका सिंपल सा मतलब था, नेचर भी ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन की जब फूड स्टफ का रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता तो प्रोसेस क्या होती, बहुत स्लो, और इतनी प्रोसेस अगर स्लो होती तो हमको एनर्जी मिलती ही नहीं, मतलब जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी हमें बहुत टाइम बाद मिलती, तो कुल मिला के सर्वाइव नहीं करते हम। इसका मतलब एंजाइम के अंदर नेचर ने ऐसा सेंटर ऐड किया है कि जो डाई ऑक्सीजन को बाइंड करे, वो सेंटर भी क्या रहे, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सेंटर, पैरामैग्नेटिक डाई ऑक्सीजन, पैरा पैरा क्या होता है, स्पिन अलाउड। तो अब नेचर को उतनी 22.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, उसने उस एनर्जी बैरियर को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसलिए एंजाइम में रिएक्शन जो होती है क्या होती है, फास्ट। बाहर इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है, बाहर इन्वायरमेंट जो सबस्ट्रेट हैं क्या है, वो डायमेटिक हैं, राइट। कोई भी मालिक्यूल अगर उठाओगे, सारे बॉन्ड अगर उसमें होंगे तो डायमेटिक इन नेचर होगा, डायमेटिक अगर सिस्टम है, इसका सिंपल से मतलब है वो O2 से नॉर्मली रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उतनी एनर्जी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो देखो मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450, राइट। इसका काम क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एक तरह से क्या है, ये मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, एक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई अगर करेगा तो ऑक्सीजन से जुड़ना तो चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनो, RH O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम P450 ये कन्वर्ट होता है ROH में, इसका मतलब इसका मोनो ऑक्सीजनेशन किया है ना। अगर इसको ऑक्सीजन दिया है तो पहले एंजाइम को ऑक्सीजन से बाइंड करना होगा ना, तब तो देगा, पहले मैं बाइंड करूंगा उसके बाद मैं ट्रांसफर करूंगा। अब हमें पता है कि O2 कौन सी स्टेट में होती है, पैरामैग्नेटिक। तो अब बताओ जब ऑक्सीजन एंजाइम से बाइंड करेगा तो उसमें जो मेटल सेंटर होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, मेटल सेंटर, ये भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होगा ना तभी ये स्पिन अलाउड होगा, तभी ये स्पिन अलाउड है, राइट, तभी ये रिएक्शन फास्ट होगी। नहीं, अगर मान लो मेटल सेंटर में ऐसा ले लेता हूँ जो डायमेटिक है,
तो फिर इससे रिएक्शन जो होगी ना वो क्या होगी, अनफेवरेबल। कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल। या तो फिर आप सबस्ट्रेट को और ट्रिपलेट में ले जाओ, या तो वो या तो फिर आप डाइऑक्सीजन को सिंगलेट में ले जाओ, उतनी एनर्जी नेचर के पास होती नहीं है। इसलिए नेचर जिस सेंटर से बाइंड कराता है ना, वो डायमेटिक नहीं होता, पैरामेटिक होता। देखो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म में, देखना। ऑक्सीजन इससे बाइंड करता है, यहाँ आयरन 2+ है, यहाँ एक लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ एक RH है, आयरन प्लस 2 में है। और कैसा है ये, हाई स्पिन, 5 कोऑर्डिनेट है, हाई स्पिन होगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक। O2 जो है ये भी पैरामैग्नेटिक, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। इसका मतलब रिएक्शन जो होगी क्या होगी, वो स्पिन अलाउड। अगर स्पिन फॉरबिडन होती तो एनर्जी हमें उतनी देनी पड़ती। इस तरह से नेचर क्या करता है, उस 22.5 किलो कैलोरी पर मोल वाले एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, जिसकी वजह से डाइऑक्सीजन की रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत फास्ट होती है। इसीलिए एंजाइम डेवलप किए गए हैं, इसीलिए मेटल सेंटर लिया गया है, कि ऐसा मेटल सेंटर लिया गया है जो कि क्या हो, पैरामैग्नेटिक। नहीं तो आप खुद सोचो ये लो स्पिन क्यों नहीं हुआ, अगर ये लो स्पिन हो जाता तो ये क्या होता, डायमैग्नेटिक, ये क्या होता, पैरामैग्नेटिक। अगर ये लो स्पिन होता तो T2G6Eg0 होता ना भाई। अगर हाई स्पिन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, T2G4Eg2, ये पैरामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, तो पैरा पैरा क्या होता है, अलाउड। अगर ये लो स्पिन होता तो कभी रिएक्शन इससे नहीं करता, मतलब ये रिएक्शन क्या होती, अनफेवरेबल। या ऐसा बोल सकते हो आप कि अगर लो स्पिन होता, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर ये लो स्पिन होता तो ये सिस्टम जो है बहुत स्लो रिएक्शन करता। अगर स्लो रिएक्शन करता तो हमें क्या जरूरत है एंजाइम की, जब जैसे रिएक्शन नॉर्मल होनी है, अगर वो 2 साल के अंदर 10 साल के अंदर होनी, तो ऐसे एंजाइम की हमें जरूरत है नहीं। इसलिए एंजाइमेटिक, इसलिए ऐसे सेंटर जो कि एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, जिनको जिनकी रिएक्शन डाइऑक्सीजन से करवानी है, वो लोग खुद पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक दोनों जुड़ जाएँ, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो जिस स्टेप में ऑक्सीजन बाइंड हो रही है उस स्टेप में देख लेना आप, जो आपका आयरन सेंटर है ना वो पैरामैग्नेटिक होगा, चाहे वो +3 स्टेट का हो, चाहे +2 स्टेट का हो, तभी फिजिबल होगा। नहीं तो आप इतनी एनर्जी कहाँ से दोगे, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। एक एंजाइम मैं और बताता हूँ, एक एंजाइम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसका काम क्या है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको काम इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे। इसका काम सिंपल है, O2 को कन्वर्ट करता है ये, राइट। तो O2 बाइंडिंग, O2 को बाइंड करेगा पहले, ये बाइंड कहाँ होता है, एक सेंटर होता है, ध्यान सुनो इधर, O2 बाइंड होता है किससे, एक सेंटर होता है HeMA3। HeMA3 क्या होता है, ये आयरन प्लस 2, ये होते है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ऐसे दिखा देता हूँ, सेम ऐसे आयरन प्लस 2, यहाँ पर ऐसे पोरफायरिन सिस्टम है ये लगा है, यहाँ लिगेंड लगा है, ये भी क्या है, ये हाई स्पिन है, क्योंकि आयरन 2+ हाई स्पिन होगा तभी पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब अब ये O2 के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, इसका मतलब क्या रिएक्शन है, स्पिन अलाउड, राइट। ठीक है, और एक चीज देखो, जब ये ओवरऑल बाइंड करता है ना डायरेक्शन, ध्यान सुनना, इसके पास 2 सेंटर होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में, जो O2 को बाइंड करते हैं, उसमें एक होता है हीम सेंटर, मैं लिख देता हूँ पूरा नाम, एक होता है HeMA3, इसको बोलते हैं हम लोग, और एक होता है COBB, 2 सेंटर होते हैं, और दोनों सेंटर जब O2 से जुड़ते हैं ना, तो ऐसा ऐसा हो जाता है HeMA3O2, देखो यहाँ पे ध्यान से O, और यहाँ पर COBB, राइट। इसका मतलब O2 देखो किसमें कन्वर्ट हुआ है, O2 कन्वर्ट हुआ किसमें, O2- में, ध्यान सुनो ये भी क्या है, O2 का O2- में कन्वर्टन क्या है, थर्मोडाइनेमिकली फीजिबल। देखो O2 O2- में कन्वर्ट नहीं होना चाहता ना, O2 O2- में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, राइट। देखो O2 का O2- में कन्वर्जन नहीं होना, क्योंकि ये -0.33 वोल्ट है, अनफेवरेबल है। लेकिन O2 2- क्या है ये, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू है, पीछे देखना हमने H2O2 में किया था, कितनी वैल्यू थी, +0.85 + 0.89। तो इसने 2 काम किया है, यहाँ से कैनेटिक बैरियर को ख़त्म किया, पैरा पैरा को मिला के,
इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई फास्ट। थर्मोडायनेमिक बैरियर को भी यहाँ खत्म कर दिया कि O2 किस में कौन कर दिया इसने, O2 माइनस में। साइमल्टेनियसली कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए इसने, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने सप्लाई किया, एक इसने सप्लाई किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक बैरियर बाहर एटमॉस्फेयर में था वो यहाँ पे कम हुआ पैरा पैरा करके। जो थर्मोडायनेमिक बाहर था कि O2 को O2 माइनस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, सही बात है, लेकिन O2 को 2 माइनस में ले जा सकते हैं ना। तो एंजाइम में दो सेंटर होते हैं, ये दोनों सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, एक पहला करता है एक दूसरा, दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे ना, तो O2 माइनस में नहीं कन्वर्ट होता, O2 O2 माइनस में होता। तो ये वाला अनफेवरेबल, ये वाला फेवरेबल, इसके लिए कितनी रिएक्शन प्रोसेस की वैल्यू थी हमने देखा था, इसके लिए वैल्यू थी 0.89 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि ये थर्मोडायनेमिक बैरियर को भी क्रॉस कर दिया, कम कर दिया, और दूसरा इसने क्या कर दिया, जो उसका काइनेटिक बैरियर था उसको भी सप्रेस कर दिया। सेम इसमें भी यही होता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये दोनों जुड़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, नहीं, एक्चुअली जो साइटोक्रोम P450 में होता है ना, यहाँ पे बनता है, आगे मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ये O2 जब रिएक्शन इसे करता है तो यहाँ पे बनता है हाइड्रोपरॉक्साइड। मैं आपको आगे समझाऊंगा। और परॉक्साइड का मतलब है किसमें कन्वर्ट हुआ है, O2 माइनस। इसका मतलब ये भी जो है, जो साइटोक्रोम P450 है, ये भी थर्मोडायनेमिक बैरियर को क्रॉस कर गया। इसने उस पाथवे को सेलेक्ट ही नहीं किया जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है, मतलब O2 माइनस में नहीं कन्वर्ट किया इसने डाइऑक्सीजन को, किसमें कन्वर्ट किया, हाइड्रोपरॉक्साइड में, O2 माइनस में। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, राइट। यही चीज़ बाहर नहीं है, बाहर ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप हुआ जो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दे। इसलिए O2 की जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है उससे हम लोग बचे हुए हैं। और एक चीज़, ऑक्सीजन ट्रिपलेट में है, बाकी जो हमारे पास सराउंडिंग में है सब सिंगलेट में है, इसलिए हम उसकी हाई रेट ऑफ रिएक्शन से बचे हुए हैं, तभी हम जिंदा हैं। नहीं, जो प्रॉपर जो बिहेवियर O2 का बॉडी के अंदर होता है, वो भी कहाँ, जब रिस्पिरेशन होने वाला होता है तब, या जब एंजाइम के साथ उसकी एक्टिविटी होती है तब। अगर वही चीज़ हमारे बाहर भी होने लगे तो कोई बचेगा नहीं, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। बट और ऑक्सीडाइज तो जो करेगा करेगा ही, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, राइट। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको मैं समझाऊं कि एंजाइम ऐसा क्या है एंजाइम के पास, जो O2 को अलग तरीके से यूज करते हैं, उसके काइनेटिक बैरियर को कम कर देते हैं, उसके थर्मोडायनेमिक बैरियर को कम कर देते हैं, लेकिन बाहर के सिस्टम में ऐसा नहीं। और ये ज़रूरी भी है, अगर हमें ज़िंदा रहना है, हमें बचना है, तो बाहर जैसा है वैसा रहना चाहिए। तो हम बचे क्यों हैं O2 से, फिर से सुन लो, बाहर के सराउंडिंग जो है O2 से क्यों बची हुई है, क्योंकि O2 माइनस में पहले कन्वर्ट होता है, क्योंकि इतना, क्योंकि देखो O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हमारी हैं जो O2 को एक इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, लेकिन O2 एक इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। क्यों नहीं लेता, क्योंकि O2 माइनस में जाएगा तो उसका फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। इसका मतलब वो जो कन्वर्जन वाली प्रोसेस है ना, वो हमें O2 की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर से बचाती है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेके O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया ना, तो O2 माइनस जल्दी से H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे की जितनी स्टेप हैं सब फिजिबल हैं। पहली स्टेप ही क्या है, नॉन फिजिबल है। इसका मतलब जब पहली स्टेप ही नहीं होगी तो O2 किस फॉर्म में रहेगा, डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा। तो हम उसके हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर से बचे हैं। दूसरा, बॉडी के अंदर O2 जब रिएक्शन करता है तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं करता। जबकि जबकि बहुत सारी रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिजिबल भी थी वो, क्यों नहीं करता, क्योंकि बाहर जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, सिंगलेट स्टेट में। मेजॉरिटी ऑफ द सबस्ट्रेट कैसा है, सिंगलेट स्टेट में। O2 कैसा है, ट्रिपलेट में। सिंगलेट ट्रिपलेट की रिएक्शन नहीं होती है फास्ट, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन है वो, राइट। तो आपको दो काम करने होंगे, या तो आप O2 को ट्रिपलेट, O2 को सिंगलेट में ले जाओ, उसके लिए कितनी एनर्जी, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, या तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसको आप ट्रिपलेट में ले जाओ, उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी लगती है, वो तो और अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है। हाँ, लैब में हम ये काम करवा सकते हैं, बिकॉज इन लैब वी कैन प्रोवाइड दिस सच काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है। इसलिए O2 की जो रिएक्शन कहीं कहीं थोड़ी बहुत होती भी है ना, वो इतनी स्लो होती है कि उसका हमें असर दिखाई नहीं देता। बल्कि सिस्टम ने क्या किया, O2 को ज़्यादातर केसेस में क्या करता है, O2 माइनस में कन्वर्ट करता है, राइट। सेकेंड थिंग वो क्या करता है, वो एक काम और करेगा, वो एक काम ये भी करता है कि जो O2 की रिएक्शन करवाता है ना, तो ऐसा सबस्ट्रेट ला के देता है, ऐसा सिस्टम ला के देता है कि वो क्या रहे, वो भी क्या रहे, वो भी पैरामैग्नेटिक, O2 भी क्या रहे, पैरामैग्नेटिक। पैरा पैरा क्या होता है, स्पिन अलाउड। तो उसको इतना 22.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए जो है ऐसे सेंटर को सिलेक्ट किया जाता है O2 से बाइंडिंग के लिए, जो क्या हो हमारे पास, हाई स्पिन सेंटर हो या पैरामैग्नेटिक सेंटर हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझा पाया हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर सेंटर को पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाई स्पिन सेंटर अगर होगा तो इसका मतलब है O2 के जुड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। और जहाँ भी ऐसा सेंटर नहीं होगा, इसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पर O2 की जो रिएक्शन है उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बाकी सेंटर की जगह पर, ठीक है। तो हम लोग अब कल की क्लास से हम लोग पढ़ेंगे
हमने पढ़ लिया कि O2 बाहर कैसा काम करता है, O2 अंदर कैसा काम करता है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें, अब देखो हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है रिस्पिरेशन में, तो रिस्पिरेशन के लिए पहले हमें ऑक्सीजन अपने अंदर तो लेना होगा। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, फिर हम ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, राइट। फिर हम बात करेंगे कि क्या हमें ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है, अगर है तो क्यों है। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारी ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होती हैं मेनली वो पॉलीमेरिक क्यों होती हैं, मोनोमेरिक क्यों नहीं होती, राइट। जो हमारी स्टोरेज प्रोटीन होती है जनरली वो क्या होती है, मोनोमेरिक क्यों होती है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा कि हीमोग्लोबिन पॉलीमेरिक क्यों है, मायोग्लोबिन जो है वो मोनोमेरिक क्यों है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज से ध्यान रख, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि ये सब प्रोसेस है जिनकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन से बचे हैं, लेकिन यही चीज़ हमारी बॉडी ऐसा कुछ चेंज करती है ऑक्सीजन को कि हमारे अंदर ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि हमें ज़रूरत है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन को भी बहुत फास्ट करता है, जो कि हमें ज़रूरत है जल्दी से एनर्जी मिलने के लिए। और ये बाकी चीज़ें बाहर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, मैंने आपको सबको समझा दिया। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के बारे में। तो पहले ये पढ़ेंगे कि क्या जरूरत है ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की, फिर उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टीज में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।